बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निलपोटेंट एलिमेंट्स को हमने देखा था कि क्या होते हैं, इसकी हमने एग्जांपल नहीं कर सके थे लास्ट टाइम, जस्ट हमने कुछ रिजल्ट्स इससे रिलेटेड किए थे। एग्जांपल्स हम थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह इसको हमने सॉल्व करना है, और हम उन रिजल्ट्स जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं उनको भी हम यूज़ करेंगे। लेट्स से हम Z6 अगर कंसिडर करते हैं, तो इस केस में हमारे पास, अच्छा हम सबसे पहले बजाय इसके कि हम इसके हर एलिमेंट को चेक करें, हमारे पास रिजल्ट्स हैं। क्या रिजल्ट? एक हमने देखा कि कोई भी प्राइम पी अगर डिवाइड करता है एन को, एन ये है इस केस में, यहाँ पे एन हमारे पास 6 है, कोई भी एलिमेंट ए निलपोटेंट होगा निलपोटेंट है तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? देन यहाँ पे हमने लिखना है देन, नेक्स्ट ये हमारे पास कंडीशन है, इफ पी डिवाइड्स एन implies P divides A, ये कंडीशन ट्रू होगी निलपोटेंट के लिए। ये हमने कंडीशन देखी थी लास्ट टाइम। अच्छा इफ एंड ओनली इफ के साथ आई थिंक इसको हमने किया था, या फिर वैसे किया था, आई डोंट रिमेंबर। और भी कुछ रिजल्ट्स हमने देखे थे जिसमें हाँ जी, इफ़ एंड ओनली इफ के साथ हमने ये देखें किया था कि निलपोटेंट एलिमेंट कब होता है। इफ़ एंड ओनली इफ कोई भी प्राइम पी है तो पी अगर एन को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। एक और हमने रिजल्ट किया था जिसमें हमने लिखा था कि एन को हम अगर दो एलिमेंट्स के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें, यानी को किसी एक एलिमेंट की पावर की फॉर्म में हम लिख लें, तो देन ये जो एलिमेंट है ए बी ये भी निलपोटेंट होगा। यही हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एन, चूंकि हमारे पास 6 है तो एन के प्राइम डिवाइजर देखें कौन कौन से हैं। एन के जो डिवाइजर्स हैं प्राइम डिवाइजर्स, उनमें एक तो 2 है हमारे पास जो डिवाइड करता है इस 6 को, और 3 है जो डिवाइड करता है 6 को। इट मींस कोई भी जो निलपोटेंट एलिमेंट है 2 और 3 उसके डिवाइजर्स होने चाहिए ए के। ए निलपोटेंट एलिमेंट है तो 2 और 3 इसके डिवाइजर्स होने चाहिए। जब 2 भी डिवाइजर होना चाहिए 3 भी होना चाहिए ज़रूर। इट मींस नेसेसरली हमारे पास क्या होना चाहिए? 6 डिवाइजर होना चाहिए ए का। और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं Z6 के अंदर जिनका 6 डिवाइज़र हो सकता है पॉसिबल? 0 और 6, यही दो एलिमेंट्स पॉसिबल हैं Z6 में। आप अगर देखें तो हमारे पास 6 इन दोनों को डिवाइड करता है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल अगर कंसिडर करें Z72 लेट्स से, क्योंकि ये एग्जांपल ये क्वेश्चन गिवन है बुक्स में इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। अब इस यहाँ पे हमारे पास n क्या है? 72। 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 2
रेज टू थ्री इंटू थ्री रेज टू टू समथिंग लाइक दैट मीन्स अगर इसके आप प्राइम डिवाइज़र देखें तो टू और थ्री इसके डिवाइज़र्स हैं, मीन्स टू डिवाइड करता है 72 को और थ्री डिवाइड करता है 72 को, ये इसके प्राइम डिवाइज़र्स हैं। इट मीन्स क्योंकि हमारे पास कोई भी निलपोटेंट एलिमेंट होगा ए, तो इसका हर प्राइम डिवाइज़र इसका भी डिवाइज़र होना चाहिए। टू और थ्री 72 के प्राइम डिवाइज़र्स हैं, इट मीन्स हर निलपोटेंट एलिमेंट के डिवाइज़र्स टू भी उसका डिवाइज़र होना चाहिए और थ्री भी उसका डिवाइज़र होना चाहिए, दैट इज़ सिक्स डिवाइज़र होना चाहिए ए का। इट मीन्स जो सबसे पहले हमारे पास कैंडिडेट है सिक्स इट्सेल्फ चूँकि एलिमेंट होता है जी 72 का, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये निलपोटेंट है। निलपोटेंट कैसे चेक करेंगे, सिक्स इट्सेल्फ इसकी हम पावर्स लेंगे पहले, सिक्स को सिक्स से अगर आप करें मीन्स सिक्स की सेकंड पावर, अब आप ये तो हमारे पास 12 की क्लास आ जाती है जो कि ज़ीरो नहीं है, नो सॉरी 12 लिख दिया मैंने, 36। अच्छा इसके बाद मींस ये हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जी 72 में, इसकी हम थर्ड पावर ले लेते हैं तो क्या आएगा, 36 की क्लास इनटू 6 की क्लास, ये क्या आएगा हमारे पास, टू 16 और ये ज़ीरो की क्लास है, ये डिविजिबल है 72 से, इसको आई थिंक हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 72। हाँ ये लिख सकते हैं हम, इसलिए ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, चूंकि इसको हम 3 की क्लास इनटू 72 की क्लास लिख सकते हैं और 72 की क्लास हमारे पास किसके इक्वल होती है, ज़ीरो के, तो हैंस ये ज़ीरो के इक्वल है। ये हमारे पास सिक्स ऐसा एलिमेंट है जिसकी हमने जब थर्ड पावर ली तो हमारे पास ये किसके इक्वल आया, ये ज़ीरो की क्लास है। इट मीन्स कि ये सिक्स हमारे पास क्या है, निलपोटेंट एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज सिक्स इज निलपोटेंट। अब आप इसके बाद नोटिस करें कि कोई भी एलिमेंट जिसमें सिक्स उसका मल्टीपल हो, यानी कोई और एलिमेंट हम बी ले लें जिसको हम लिख सकते हैं ए टाइम्स सिक्स, तो वो क्या होगा, वो निलपोटेंट होगा। क्यों, क्योंकि बी की अगर आप ले लें थर्ड पावर तो क्या आएगा हमारे पास, ये इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू थ्री इंटू सिक्स जो है, इस सेपरेटली दोनों की पावर्स में हम लिख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट है सिक्स की क्लास और उसका जो थर्ड पावर है, ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, ये ज़ीरो की क्लास है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करें अगेन आपके पास ज़ीरो की क्लास आएगी। इट मीन्स जब भी सिक्स फैक्टर होगा किसी भी एलिमेंट का तो वो हमारे पास एलिमेंट क्या हो जाएगा, निलपोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो ज़ीरो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, फिर 12 भी आ जाएगा, 18, 24, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स कौन से हैं, ये एक्चुअली आइडियल जनरेटेड बाय सिक्स है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, निलपोटेंट हैं। इन एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं कि ये निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं। इसी तरह आपने मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स ट्राई करनी है ख़ुद, जितनी आप ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से आप
यानी माइंड में वो जहन नशीन हो जाता है, इतना ही आपको क्लियर होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होती है। जिस तरह पहले ग्रुप्स के केस में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यानी सेट्स के केस में फंक्शन हम डिफाइन करते हैं और फिर फंक्शन की टाइप्स देखते हैं, इसी तरह ग्रुप के केस में भी हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स देखी होंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म हमें पता है कि क्या होती है, एक मैपिंग होती है जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करे तो देन हम उसे होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले वैसे मैपिंग हम डिफाइन कैसे करते हैं, दो सेट्स से। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर करने हैं, रिंग्स, लेट्स से आर और एस हमारे पास क्या हैं, दो रिंग्स हैं। अच्छा, ये हमारे पास रिंग्स हैं और एक मैपिंग है उस जिसको हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। किसको, एक मैपिंग, कौन सी मैपिंग, लेट्स से हम उसको डिनोट कर लेते हैं फाई के साथ, फाई के साथ या एफ के साथ डिनोट करें जैसे चाहें आप। फाई, अ मैपिंग फाई कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आर टू एस, इस सेट से इस सेट पे मैपिंग है, आर से एस पे डिफाइंड है। इस मैपिंग को हम कहेंगे इस सेट टू बी रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसे हम रिंग होमोमॉर्फिज्म कहेंगे कब, इफ, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल करे। कौन सी कंडीशंस हैं, एक तो कंडीशन वही जो हम ग्रुप में देखते थे कि दो एलिमेंट्स का हम अगर सम ले लेते हैं फाई ऑफ ए प्लस बी तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो ऑपरेशंस हैं, एक एडिशन का एक मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन के रिस्पेक्ट से हमने कहा कि फाई ऑफ ए प्लस बी हमारे पास क्या होना चाहिए, सेपरेटली फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। सिमिलरली चूँकि इन एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है इसमें ग्रुप रिंग्स में, तो दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, तो उनमें क्या रिलेशन होना चाहिए, उन जाहिर है जब हम मैप डिफाइन करेंगे यहाँ ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लाई करता है आर में, आर रिंग का एक एलिमेंट है, उस पर भी आप फाई मैप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फाई आर से एस पे मैप है। जब आप इस पर अप्लाई करें हमारे पास ये किसके इक्वल आना चाहिए, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के, जबकि ए और बी क्या हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं रिंग आर के। चूँकि हमें क्या पता है कि R जो होता है और R और S ये अंडर एडिशन रिंग के केस में, अगर ये R रिंग है तो ये अंडर एडिशन ग्रुप होता है, इसी तरह S रिंग है और ये अंडर एडिशन ग्रुप होता है, और ये दोनों ग्रुप्स हैं, फाई मैप डिफाइंड है R से S पे और फाई ऑफ A प्लस B किसके इक्वल है, फाई ऑफ A प्लस B, यही जो ग्रुप वाला ऑपरेशन है एडिशन। तो इट मीन्स ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी होती है अंडर एडिशन, ये जो फर्स्ट ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होती मल्टीप्लिकेशन, ऑल दो मल्टीप्लिकेशन में ये कंडीशन ट्रू है फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, लेकिन इस केस में आर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है,
इसी तरह से एस के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप हों, इसलिए हम इसे नहीं कह सकते फाई को कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि ग्रुप्स नहीं हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो अंडर एडिशन ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, इसके लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, सबसे जो कुछ ट्रिवियल सी सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक हमारे पास होती है ज़ीरो मॉर्फिज़म, ज़ीरो मॉर्फिज़म क्या होती है, आर और एस हमारे पास, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी यहाँ पे, जस्ट एक दफ़ा लिख देती हूँ कि आर और एस हमारे पास रिंग्स हैं, अंडर दीज ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फाई एक मैप है फ्रॉम आर टू एस। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, फाई ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, जबकि ए क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, रिंग के हर एलिमेंट के लिए इस फाई को हमने क्या डिफाइन किया कि उसका इमेज क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ये ज़ीरो कौन सा है, ये एस का ज़ीरो है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि एलिमेंट कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे रिंग के जो ज़ीरो एलिमेंट है यानी एडिटिव आइडेंटिटी, उसको भी हम ज़ीरो से डिनोट करते हैं। एस जो आर एस है यहाँ पे रिंग एस, इसकी भी हम एडिटिव आइडेंटिटी को ज़ीरो से डिनोट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये ज़ीरो कौन सा है, हम यहाँ पे स्मॉल एस लिख देते होते हैं, ज़ीरो एस, इट मीन्स कि ये एलिमेंट है एस का, यही एस के एडिटिव आइडेंटिटी है। इससे आप चेक कर सकते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है। क्या चेक करना है आपने, ये दोनों कंडीशंस देखनी है, फाई ऑफ ए फर्स्ट कंडीशन आप चेक करें, अगर फाई ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ ए प्लस बी, यानी किसी भी एलिमेंट ए भी हमारे पास एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स कहाँ से हैं, रिंग से, यानी ए भी रिंग का एलिमेंट है, बी भी रिंग का एलिमेंट है, तो ए प्लस बी किसका एलिमेंट होगा, ये भी रिंग का एलिमेंट होगा, क्योंकि अंडर एडिशन ग्रुप होता है। तो ग्रुप इस सेट आर के हर एलिमेंट के लिए इसका इमेज किस तरह डिफाइंड है, ज़ीरो, तो इसको आप लिख सकते हैं ज़ीरो। इसी तरह से इस ज़ीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट है, हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और ज़ीरो ये किसका इमेज है, फाई ऑफ ए का, प्लस ये किसका इमेज है, फाई ऑफ बी का, इस तरह हम लिख सकते हैं, इट मीन्स ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। सिमिलरली हम सेकंड भी चेक कर सकते हैं, मीन्स फाई ऑफ ए बी हमारे पास है ज़ीरो ऑफ एस, और ज़ीरो ऑफ एस यानी ज़ीरो को ज़ीरो के साथ आप मल्टीप्लाई करें, अगेन ज़ीरो ही आता है, तो ज़ीरो को आप क्या लिख सकते हैं, ये फाई ऑफ ए है और ये फाई ऑफ बी के इक्वल है। अच्छा, सम टाइम ऑपरेशंस डिफरेंट भी होते हैं, जिस तरह के एक तरफ मैट्रिसेस हों दूसरी तरफ कुछ और हो, या एक तरफ हमारे पास हो क्या कहते हैं सिंपल जो रिंग होता है और दूसरी तरफ जो रेजिड्यू क्लासेस वाला है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो ऑपरेशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास जो यहाँ पे ऑपरेशन है आर में, वो ऑपरेशंस हैं, वो वाला एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और जो यहाँ पे हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ये कौन से ऑपरेशंस हैं, ये एस में जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं ये वाले हैं, ये एडिशन जो यहाँ पे एस है, मीन्स अगर सपोज यहाँ पे मैट्रिसेस हैं तो इस केस में यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन आ जाएगी और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एक और हमारे पास ट्रिवियल मॉर्फिज्म है जिसे हम आइडेंटिटी मॉर्फिज्म कहते हैं,
इसमें क्या करते हैं हम कि हर एलिमेंट ए, कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर के लिए हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इक्वल्स टू वन, वन बार नहीं जस्ट वन, वन एस लिखते होते हैं ये शो करने के लिए कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एस की जो भी है। जैसे अगर मैट्रिसेस हैं तो यहाँ पे फिर ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो आ जाएगा, लेकिन हम इसको जर्नली रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं वन एस के साथ। इसे भी आप दोनों कंडीशंस फुलफिल कर सकते हैं, इजीली चेक करें कि क्या ये भी है या नहीं है, हो सकता हो, हो सकता ना हो, चेक करें ज़रा, आप भी चेक करेंगे। और भी हमारे पास जिसको हम चेक कर सकते हैं बहुत सी एग्जांपल्स, जैसे जी एन के केस में देख लेते हैं। इसके लिए शायद आपके पास जो कंडीशन है फर्स्ट वाली वो फुलफिल नहीं होगी। बहरहाल इसे आप देख सकते हैं, मीन्स आई थिंक ये वाली जो कंडीशन है ए प्लस बी वाली, चूँकि ए प्लस बी यहाँ पे ये डिफाइंड है और फाई एफ ए प्लस फाई एफ बी जो है ज़ाहिर है वो वन के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके पास वन प्लस वन आएगा जो कि नॉट इक्वल टू वन, ज़रूरी नहीं होता कि ये वन हो, इसलिए इसका मॉर्फिज्म होना ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली हम डिफाइन करें अगर जी हम रिंग कंसिडर कर लें और जी एन कंसिडर कर लें, यहाँ पे एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास आप जानते हैं कौन सी वाली है। इसे भी आपने चेक कर लेना है, फाई ऑफ यहाँ पे कोई भी एन एलिमेंट है, एन तो नहीं लेते हम यहाँ पे, ए ले लेते हैं क्योंकि एन हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, तो ए अगर ले लें, ए का इमेज क्या आएगा, क्लास ऑफ ए, मींस जो रिमाइंडर आता है आफ्टर डिवाइडिंग एन, ए को आप डिवाइड करेंगे एन से और जो रिमाइंडर आता है वो ये आ जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो भी है वो आ जाएगा यहाँ पे इस केस में। इसे भी चेक करना है कि क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, देख लेंगे आप। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक और जिसमें सेम वही एलिमेंट आ जाता है आपके पास, उस हाँ आइडेंटिटी मॉर्फिज्म तो उसे कहते हैं, बिल्कुल ये नहीं आइडेंटिटी, ये जस्ट कोई भी मॉर्फिज्म है एक, और यानी सेकंड एग्जांपल आप कह लें इसे। ये हमारे पास हो गई ज़ीरो वाली फर्स्ट, ये सेकंड हो गई, इसे आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। ये नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको थर्ड कह लें, चेक करेंगे आप खुद हैं या नहीं हैं। इसे आप इजीली चेक कर सकते हैं ये होगी, क्योंकि हमारे पास जो दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, उनका अगर आप सम ले लें तो ए प्लस बी की क्लास को सेपरेटली क्लास ऑफ ए प्लस क्लास ऑफ बी से आप डिनोट कर सकते हैं, इसी तरह से प्रोडक्ट को भी आप डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताना चाह रही थी, फाइव फ्रॉम आर टू एस के फाई एफ ए इक्वल्स टू ए, हाँ इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, ज़ाहिर बिल्कुल आइडेंटिटी मॉर्फिज्म, वो मैंने मिक्स कर दिया था, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये आइडेंटिटी मॉर्फिज्म होगी जिसमें हमारे पास हर एलिमेंट का इमेज वही आए। जैसे ए का इमेज इटसेल्फ ए आए, इससे चेक करें अगर कोई से दो एलिमेंट्स हैं ए प्लस बी, तो
एल इसका इमेज इट सेल्फ यही एलिमेंट ए प्लस बी आ जाएगा और इसे आप क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। सिमिलरली फाई ऑफ ए इंटू बी, बी इंटू ए लिख दिया है, एक ही बात है, ये भी बी इंटू ए आ जाएगा हमारे पास, और फाई ऑफ बी इंटू फाई ऑफ ए। इट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है, रिंग मॉर्फिज्म है। रिंग होमोमॉर्फिज्म, ओके। अच्छा अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, ये बार बार हिल रहा है। डेफिनेशंस कुछ देख लेते हैं कि मॉर्फिज्म की टाइप्स, कि कब जो है रिंग मोनोमॉर्फिज्म क्या होती है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। शॉर्टली इनको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ आपने, बिल्कुल क्योंकि इसका आइडिया वही है जो ग्रुप्स में पढ़ चुके हैं। मोनोमॉर्फिज्म, और अच्छा मोनोमॉर्फिज्म क्या होगी, यानी एक उसमें प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाई को क्या होना चाहिए, लेट फाई बी आ रिंग होमोमॉर्फिज्म। फ्रॉम आर टू एस, यानी आर से एस पे ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, यानी आपने इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेक कर ली कि जो दो कंडीशंस हैं होमोमॉर्फिज्म की वो दोनों यहाँ पे ट्रू हैं। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अगर हो, मींस हमारे पास जो फाई हो, इफ फाई इज इंजेक्टिव, यानी वन वन हो, तो देन हम क्या कहेंगे कि फाई इज मोनोमॉर्फिज्म। अच्छा मैं अब क्या कर रही हूँ, पॉइंट्स लिख रही हूँ इसके साथ। लेट्स, मैंने ये कंसिडर कर लिया कि फाई रिंग होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर टू एस। देन पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा कि अगर फाई इंजेक्टिव है तो इसको हम मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे, अगर फाई सर्जेक्टिव है, ऑन टू है, यानी जिसको आप ऑन टू फंक्शन कहते हैं वो वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है, यहाँ पे हम उसे क्या लिखते हैं, सर्जेक्टिव। फाई अगर सर्जेक्टिव है तो देन फाई को हम क्या कहेंगे कि ये एपीमॉर्फिज्म है। अच्छा ज़हन में आपने रखना है कि सबसे पहले इसका रिंग मॉर्फिज्म होना ज़रूरी है। जब भी साथ मॉर्फिज्म लिखा हुआ है इट मीन्स इसका सबसे पहले रिंग होमोमॉर्फिज्म होना ज़रूरी है, मीन्स वो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। फाई हमारे पास आर से एस पे एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, देन फाई अगर इंजेक्टिव है तो उसको हम मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। इसी तरह एक रिंग होमोमॉर्फिज्म फाई अगर मज़ीद एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करता है, यानी सर्जेक्टिव भी हैं, तो फिर हम उसे एपीमॉर्फिज्म कहेंगे। और इसी तरह से अगर हमारे पास फाई ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मींस वन वन भी है और ऑन टू भी है, यानी मोनोमॉर्फिज्म भी है और एपीमॉर्फिज्म भी है, देन हम फाई को क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, जो इटसेल्फ उसी रिंग से उसी पे हो, अपने आप पे हो। मीन्स हम क्या लिखेंगे, के नेक्स्ट है हमारे पास इफ
फाई जो है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर पे, यानी इट सेल्फ उसी रिंग से उसी पे इज होमोमार्फिज्म। अगर ये होमोमार्फिज्म है तो देन हम फाई को क्या कहेंगे कि ये ऑटोमार्फिज्म है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स जो हैं आप चेक कर सकते हैं, जैसे फाई आप कंसिडर करें। अगर एक तो मैंने बता दी कि जी से जी एन पे किस तरह से लेंगे कि फाई ऑफ ए क्लास ऑफ ए की इक्वल है, इसे आपने चेक कर लेना है। नेक्स्ट, जैसे फाई हम अगर कम्प्लेक्स नंबर से कम्प्लेक्स पे ले लें कि फाई ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को हम यूजुअली जी के साथ डिनोट करते हैं, तो उसका कॉन्जुगेट ले लें। इन्हें आपने चेक करना है कि क्या ये मॉर्फिज़म्स हैं, रिंग होमोमॉर्फिज़म्स। जैसे इस केस में जो सेकंड वाला है, इसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म है या नहीं है। इसी तरह इनको चेक करना है आपने कि इनमें से कौन सी एपिमॉर्फिज्म है, कौन सी होमोमॉर्फिज्म जो है वो मोनोमॉर्फिज्म है, और कौन सी आइसोमॉर्फिज्म है। मज़ीद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।